हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गियर फ्लिक में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बढ़ते दौर में अब टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी नेक्सॉन ईवी अनवील की है। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है, कोई हाइब्रिड नहीं है। और सबसे पहले इसके लुक की बात करते हैं। इसका जो लुक है अब बदल चुका है नेक्सॉन का। ये फेस लिफ्ट हो चुकी है और फ्रंट एंड पूरी तरह से चेंज हो गया है। जो इसका ग्रिल है आप देख सकते हैं, एक ब्रॉड ग्लॉसी ब्लैक बैंड है इस पे। और जो हेडलैम्प है इसकी, ये भी पूरी तरह चेंज हो गई है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प है ये, और उसके नीचे एलईडी डीआरएल है। नीचे की तरफ इसमें फॉग लैम्प दिया है। उसका बेजल काफ़ी बोल्ड डिज़ाइन का है, और जो लोअर पोर्शन है ये भी काफ़ी बोल्ड है इसका, और डिज़ाइन एलिमेंट्स इसमें अच्छे दिए गए हैं। बॉनेट भी चेंज हो गया है, क्लैमशेल टाइप का डिज़ाइन है इसका। और अब फ्रंट से ये काफ़ी बोल्ड लगने लग गई है पहले के मुकाबले, एंड दैट्स अ वेलकम चेंज। एलॉय व्हील्स इसके अब नए हैं, डायमंड कट फिनिश में हैं, काफ़ी प्रीमियम भी लगते हैं। इनफैक्ट जो फ्रंट एंड है इसका, अब ये काफ़ी बोल्ड और अग्रेसिव लगता है। पीछे से डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो टेल लैम्प है इसकी, ये थोड़ी चेंज हो गई है। ओवरऑल लुक जो है पीछे का, ये काफ़ी सिमिलर है पहले की तरह। जिप्ट्रॉन की ब्रांडिंग इस पर आएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसे जिप्ट्रॉन कहते हैं। टू टोन कलर फिनिश इसमें आता है। रूफ इसका अलग कलर का है। इसमें एक सनरूफ भी अवेलेबल है टॉप एंड वेरिएंट्स पे। फ्रंट के अलावा ओवरऑल डिज़ाइन में कोई मेजर चेंज नहीं है। और अगर इंटीरियर्स पे इसके नज़र डालें तो लाइट ऑफ वाइट और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है, जो काफ़ी ब्राइट लगता है अंदर। पियानो ब्लैक फिनिश का भी यूज़ काफ़ी हुआ है इस गाड़ी में। इन टर्म्स ऑफ स्पेस कोई चेंज नहीं है, क्योंकि जो शैसी है ये सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इसका डैशबोर्ड भी सिमिलर है, फ्लोटिंग टाइप का टच स्क्रीन है इसमें। स्टीयरिंग व्हील इसका चेंज हो गया है, जो हमने टाटा एल्ट्रॉस में देखा है वही स्टीयरिंग व्हील इसमें आता है। स्पीडोमीटर और ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम में काफ़ी चेंजेस हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ क्या इन्फॉर्मेशन इसमें मिल सकती है। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो चार्जिंग की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसमें मिल जाएगी ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, कि गाड़ी कितनी चार्ज हुई है, बैटरीज की कितनी चार्ज है, और उतने चार्ज में ये बैलेंस कितने किलोमीटर चल सकती है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। फ्लोर कंसोल इसका अगर देखें, तो जो ड्राइविंग मोड्स का जो नॉब था नेक्सॉन में, जो पेट्रोल और डीजल पावर्ड नेक्सॉन थी, उसकी जगह पे अब इसके गियर्स हो गए हैं, यानी गियर नॉब हो गया है वो। और उसके आगे आप देखेंगे एक कैविटी है, उसमें काफ़ी कुछ सामान आ सकता है। ग्लव बॉक्स इसका काफ़ी बड़ा है, और उसमें एक ट्रे है रिमूवेबल। नेक्सॉन ईवी का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ये एक हाई वोल्टेज सिस्टम है जो लॉन्ग रेंज के लिए बना है। 128 BHP का मोटर लगा है इसमें, और 30.2 किलोवाट आर की बैटरी है, जो लिथियम आयन की है। 245 Nm का इंस्टेंट टॉर्क है इस गाड़ी में, जो काफ़ी है। और 0 to 100 पहुंचने में इसे 10 सेकंड से भी कम लगते हैं, यानी कंपनी का कहना है 9.9 सेकंड लगते हैं इसे 100 की स्पीड्स पकड़ने में, जो काफ़ी फास्ट है। इसकी जो बैटरी है ये IP67 रेटेड है, यानी कि डस्ट और वाटरप्रूफ है ये। और ये बैटरी जो है लिक्विड कूल्ड है, यानी कूलिंग के लिए इसमें काफ़ी सुविधा दी गई है, और जो हमारे इंडियन कंडीशंस हैं उसके लिए ये काफ़ी सूटेबल है। इस गाड़ी में दो ड्राइविंग मोड्स आते हैं, जिसे ड्राइव और स्पोर्ट कहते हैं। रेगुलर ड्राइविंग के लिए आप ड्राइव मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस चाहिए ज़्यादा, तो आप स्पोर्ट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। जो इसके ब्रेक्स हैं, इनमें रीजेनरेटिव एनर्जी है। और अगर इसके इंफोटेनमेंट की बात करें, तो इसमें 35 मोबाइल ऐप्स अवेलेबल हैं। नेक्सॉन ईवी को कंपनी ने लगभग 1 मिलियन किलोमीटर्स तक टेस्ट किया हुआ है, और ये हमारे कंडीशंस के लिए काफ़ी सूटेबल है, उस तरह से इसे बनाया गया है। ये गाड़ी लॉन्च होगी जनवरी 2020 में, और इसकी कीमत होगी लगभग 15 से 17 लाख रुपए। इसकी प्री बुकिंग जो है शुरू हो चुकी है, और 21,000 यानी 21,000 में ये गाड़ी आप प्री बुक भी कर सकते हैं। नेक्सॉन ईवी में 3 वेरिएंट्स अवेलेबल होंगे, XM, XZ प्लस और XZ प्लस लक्स यानी लग्जरी। इसमें 2-टोन कलर भी अवेलेबल है, सिंगल टोन में भी आती है ये जो XM वेरिएंट है। और 3 कलर ऑप्शंस हैं इसमें, एक टील ब्लू कलर है, मूनलिट सिल्वर है, और ग्लेशियर व्हाइट है। इसकी जो वारंटी है ये 8 ईयर्स या 1,60,000 किलोमीटर्स की है। अब कंपनी का कहना है कि इसका जो रेंज है फुल चार्ज में 300 किलोमीटर्स का है। 300 किलोमीटर जा सकती है सिंगल चार्ज में, और अगर इसे आप चार्ज करते हैं एक फास्ट डीसी चार्जर से, सो अबाउट 80% बैटरी चार्ज हो सकती है 1 घंटे के अंदर। फास्ट डीसी चार्जर के अलावा किसी भी 15 एम्पियर के प्लग पॉइंट में भी नेक्सॉन ईवी चार्ज हो सकती है, लेकिन ऑफकोर्स
एक घंटे में नहीं लेकिन इसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दोस्तों कमेंट्स में हमको बताइए कि आपको नेक्सॉन ईवी कैसी लग रही है, इसका लुक कैसा लगा आपको, और क्या इसका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है या जो बैटरी है, जो इसका रेंज है, ये आपको पसंद आ रहा है या नहीं। हम एक डिटेल रिव्यू भी लेके आएंगे आप तक इसका, जब हम इसको चलाएंगे बहुत जल्द, तब हम और डिटेल में आपसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और GearFliQ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सवाल आपको पूछना है नेक्सॉन ईवी के बारे में तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। गुड बाय।